हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप सब एकदम बढ़िया होगा। अब आज से जो वीडियोस चालू हो रही हैं वो होने वाली है क्लास 12th के बच्चों के लिए, जिनका टर्म 2 का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम आने वाला है, उनके लिए वीडियोस बनेंगी। आज की जो वीडियो है, मैं वो बता दूं आप लोगों को, एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट सर्टेन है कि यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। अगर आपको ये वीडियो आपने देख ली, और एक सीरीज ऑफ वीडियोस मैं बनाऊंगा, छोटी छोटी कई सारी वीडियोस बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं क्या कोशिश करूंगा कि आपका एक बड़ा खतरनाक चैप्टर है जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मैं उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसका जो डर अगर आपके मन में है ना, उस डर को मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। शायद आपने इस तरीके से पहले कभी पढ़ा ही नहीं होगा। मैं हर जुगाड़ तक पहुंच जाऊंगा, आपको याद कराने के तरीके बताऊंगा कि आप कैसे उस चीज को कर सकते हो, इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हो, और हर क्वेश्चन में आप बन जाओगे सुपर डुपर हिट। ठीक है ना। अब क्या है वीडियो, देखो मैं वीडियो जब न्यूमेरिकल्स की है तो मैं बाकी एस्पेक्ट्स को कम से कम टच करने की कोशिश करूंगा, सिर्फ उन एस्पेक्ट्स को टच करूंगा जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है ना। अब जरा देखना, मैं पहले बता दूं, अगर आपको नेशनल इनकम की बात हम करें तो नेशनल इनकम के टोटल 8 एग्रीगेट्स हैं। 8 एग्रीगेट्स होने का मतलब क्या है? ये एग्रीगेट्स क्या होता है सर? हमने तो सिर्फ नेशनल इनकम नाम सुना हुआ है। तो देखो, एग्रीगेट का मतलब होता है, दूसरा नाम आप कह दो, इसे वेरिएंट कहते हैं। 8 वेरिएंट्स हैं नेशनल इनकम के। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं अगर आसान भाषा में, तो आपको एक फोन का नाम पता है जिसका नाम है आईफोन। अभी देखो आईफोन 13 हमारा लेटेस्ट फोन है, तो देखो आईफोन के कौन कौन से लेटेस्ट वेरिएंट आए हैं। एक 13 आया है, 13 प्रो होगा, 13 प्रो मैक्स होगा। अच्छा, उसके अंदर भी कौन कौन से हैं भाई, 128 GB वाला है, 256 GB वाला है, एंड सो ऑन। ऐसे करके क्या है, एक आईफोन है जिसके अलग अलग वेरियंट हैं, पर यार लोग अलग अलग वेरियंट भी लेते हैं ना। सिमिलरली आप समझ लो, यहां पे आईफोन की जगह क्या है, नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम है। और ये जो अलग अलग नाम है, ये अलग अलग नाम क्या है, आईफोन के वेरियंट्स हैं, नेशनल इनकम के वेरियंट्स हैं। यानी कि इन इन तरीकों से भी हर वेरिएंट का, हर एग्रीगेट की अपनी अलग मीनिंग है, अलग डेफिनेशन है, आपको उसे अलग मीनिंग के नजरिए से देखना है। बट आसान भाषा में हम लोग, एक लेमन जो बंदा होता है वो क्या बोलता है कि भैया नेशनल इनकम निकाल रहे हैं हम लोग तो। ठीक है ना। आओ जरा समझते हैं टोटल 8 एग्रीगेट्स क्या हैं और उनके नाम क्या बहुत डिफिकल्ट होंगे सर। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, बहुत कम नाम डिफिकल्ट है, जो डिफिकल्ट होंगे वो हम याद करा देंगे और आपको ओवरऑल रिलेट करा के कोशिश करेंगे कि जितनी चीजें आप कर सको उतनी आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। ठीक है। सबसे पहले देखो, 4 जो नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स हैं वो डोमेस्टिक लेवल पे है और जो 4 हैं वो नेशनल लेवल पे हैं। मैं आपको आसान भाषा के लिए बता दूं कि डोमेस्टिक और नेशनल का मतलब क्या है। डोमेस्टिक मतलब हमारा जो इंडिया है, जैसे इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, हम इंडिया में बैठ के वीडियो बना रहे हैं और आप इंडिया में बैठ के वीडियो देख रहे हैं, विद सम एक्सेप्शंस अगर कोई बाहर से देख रहा हो तो। अब एक बात बताओ, हम इंडिया के अंदर कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, टोटल कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं सिर्फ इंडिया इंडिया के अंदर, ये हो जाएगा हमारा डोमेस्टिक। और अगर बाई चांस हमने फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि दूसरी कंट्रीज से भी इनकम जो हमारे पास आ रही है नेट बन के, वो अगर हम एड ऑन कर दें, यानी कि हमारा फॉरेन इंटरफेरेंस हम इंक्लूड कर दें, तो हमारी नेशनल इनकम बन जाएगी। क्या बात समझ आ रही है? वही हम क्या कर रहे हैं, 4 डोमेस्टिक और 4 नेशनल लेवल्स पे निकालेंगे। अब जरा देखना, डोमेस्टिक लेवल पे टोटल 4 एग्रीगेट्स है। कौन कौन से? सबसे पहला और मोस्ट पॉपुलर एग्रीगेट है GDP MP, GDP MP, जहां पे जी का मतलब क्या है। देखो जहां पे अगर मैं साइड में लिखूं GDP MP, देखो नाम सीख लो आप जरा, आपको बहुत काम आएंगे। देखो जी से मतलब होता है ग्रॉस, डी से मतलब होता है डोमेस्टिक, क्योंकि भाई डोमेस्टिक लेवल पे है। पी से जो मतलब होता है वो होता है प्रोडक्ट, और जो एमपी होता है, एमपी का मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। अब जरा देखना, GDP MP हमारा पहला एग्रीगेट है। दूसरा एग्रीगेट क्या हो जाएगा, दूसरा एग्रीगेट है हमारा GDP FC। यहां पे देखो GDP की जो यहां पे नाम था वही नाम सेम टू सेम रिपीट हुआ है, सिर्फ एमपी को चेंज करके हमने क्या कर दिया, एफसी कर दिया है। और भला इस एफसी का मतलब क्या है, एफसी का मतलब होता है दोस्त फैक्टर कॉस्ट, एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब देखो सिर्फ जीडीपी एमपी को बेस मान के चलो, आपने क्या करा, जीडीपी को सेम रखा, एमपी की जगह एफसी कर दिया। अब क्या करेंगे, ये डीपी और एमपी सेम रखना और जी की जगह एन कर दो, यानी कि इसको मैं कर देता हूं NDP MP, बाकी सब कुछ सेम है जीडीपी एमपी में। देखो पहले हमने जीडीपी एमपी याद कर लिया, उसमें से फिर दूसरा नाम अगर बनाना है तो सिर्फ एमपी को चेंज करके एफसी बना दो। फिर क्या करना है, जीडीपी एमपी में पूरा का पूरा सेम कर दो, सिर्फ जी को काट कर क्या करना है, एन कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, इस एन का मतलब क्या है, इस एन का मतलब है नेट, नेट डोमेस्टिक
प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इस तरीके से पढ़ते हैं इसको। और लास्ट नाम जो है हमारा वो है एनडीपीएफसी, यानी कि हमने जी को चेंज करके क्या कर दिया, एन कर दिया, और एमपी को चेंज करके हमने क्या कर दिया, एफसी कर दिया, जिसको हम कहते हैं एनडीपीएफसी। अच्छा, एक और कमाल की अगर मैं आपको बात बताऊं तो जो एनडीपीएफसी होता है इसको हम प्यार से कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। ये नाम आपको पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक इनकम किस एग्रीगेट का नाम होता है, तो जी एनडीपीएफसी का जो नाम है वो डोमेस्टिक इनकम है। एनडीपीएफसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, देखो, एन फॉर नेट, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट और एफसी फॉर फैक्टर कॉस्ट। अब आइएगा जरा, चार जो नेशनल है, नेशनल वाले में आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ जो बीच में से डी है इस बीच में से डी को हटा दो और एन लगा दो। जैसे डी फॉर डोमेस्टिक था, अब एन फॉर नेशनल हो जाएगा, दैट्स इट। तो देखो मैं सब कुछ सेम टू सेम कर रहा हूं, आइए जरा देखते हैं कैसे। सबसे पहला क्या है, जी एन पी एम पी, जी एन पी एम पी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर क्या है, जी एन पी एट एफ सी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर क्या है, एन एन पी एम पी, अरे सर यहां तो दो एन आ गए, हम कितने तो कंफ्यूज जाएंगे कि कौन सा नेट है और कौन सा नेशनल है। अरे भाई सुनो, अगर सबसे पहले एन लिखा हुआ है तो पक्का नेट वाला है, बीच में लिखा हुआ एन है तो वो नेशनल वाला है, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, फिर आ जाएगा एन एन पी एट एफ सी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसका नाम क्या होता है, इसको हम लोग प्यार से कहते हैं नेशनल इनकम। ओ सर मतलब इसके नाम का बाकी लोग खा रहे थे, हाँ बिल्कुल। एक्चुअली जो नेशनल इनकम होती है, आज से तुम इकोनॉमिक्स के बच्चे हो गए हो ना, तो कोई पूछे नेशनल इनकम क्या होती है तो आप कहोगे एनएनपीएफसी इज द नेशनल इनकम। जनरली नेशनल इनकम जो बोलते हैं वो लोग तो बाकी लोग, क्योंकि आप कई बार लोग नेशनल इनकम बोलते हैं, कई बार जीडीपी बोल देते हैं, उन्हें लगता है एक ही बात है, पर जीडीपी के अंदर भी जीडीपी एमपी है या जीडीपी एफसी है, इस चीज की भी कंफ्यूजन होती है। तो आपको ये नाम सारे के सारे याद होने चाहिए। तो अगर मैं शुरुआत करूं, सबसे पहले क्या है, देखो चार डोमेस्टिक है और चार नेशनल है। डोमेस्टिक वाले में सबसे पहला नाम क्या है, जीडीपीएमपी, जीडीपीएमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब जीडीपीएमपी में से एमपी को चेंज करके एफसी कर दूंगा, मैं एमपी को चेंज करके एफसी कर दूंगा तो वो हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट। फिर तीसरे के लिए क्या करूंगा, जी को हटाकर एन लगा दूंगा, यानी कि नेट कर दूंगा, तो एन डी पी एम पी। फिर क्या करूंगा, जी को हटा के एन लगा दूंगा, एमपी को हटा के एफसी लगा दूंगा, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये चीज हो जाएगी। सिमिलरली नेशनल लेवल पे भी आप ये कर दोगे, आपको ये सारे नाम याद हो जाएंगे। अगर आपको नाम याद हो गए इस तरीके से तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो तुरंत के तुरंत, ठीक है ना। एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन मेरे लिए भी हो जाएगा कि हाँ यार बच्चों को समझ आ गया है, तो ठीक है ना। आ जाओ अब मेरी बात सुनो जरा। अब एक कहानी है, कहानी क्या है जरा मैं आपको बताता हूं, ये टेबल है आप बना लो जरा। देखो जी फॉर जी फॉर ग्रॉस और एन से होता है नेट। अगर आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है, देखो ये जी जो सबसे पहला था ना, जीडीपी एमपी में ग्रॉस होता था और एनडीपी एमपी में जो नेट होता था, तो वो ग्रॉस से नेट पे अगर जाना है आपको तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे डेप्रिशिएशन। वही अगर आपको उल्टा करना है, नेट से ग्रॉस पे जाना है, तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे डेप्रिशिएशन। सर ये क्यों करा रहे हो, क्या मतलब है इसका, भाई न्यूमेरिकल जो नेशनल इनकम के आपके पेपर में आएंगे ना, वो इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी कि अगर ग्रॉस से आपको नेट पे जाना है तो क्या करोगे, माइनस डेप्रिशिएशन, नेट से ग्रॉस पे जाना है तो क्या करेंगे, प्लस डेप्रिशिएशन। फिर उसके बाद है नेशनल, नेशनल जो कैपिटल एन से डिनोट होता है, और डोमेस्टिक जो कि कैपिटल डी से डिनोट होता है। अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो आप माइनस करोगे एनएफआईए। अरे ये क्या है सर, वो मैं भी बता देता हूं आपको। फिर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस कर देंगे एनएफआईए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है, ये मार्केट प्राइस है, ये फैक्टर कॉस्ट है, इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे एनआईटी, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो प्लस कर देंगे एनआईटी। देखो मैंने नामों को इस तरीके से अरेंज किया है कि अगर आपको ऊपर से नीचे जाना है, तीनों में ऊपर से नीचे जाना है तो आपको माइनस करनी पड़ेगी कोई चीज, पर अगर आपको नीचे से ऊपर जाना है तो आप प्लस करोगे किसी चीज को। अब जरा समझते हैं, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस करेंगे डेप्रिशिएशन, तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए ऑफकोर्स सी बात है यार प्लस करेंगे डेप्रिशिएशन।
नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस करेंगे एनएफआईए, और अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस करेंगे एनएफआईए। सिमिलरली एमपी से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे एनआईटी, और फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पे वापस जाना है तो प्लस करेंगे एनआईटी। ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए, प्लीज 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 कैसे भी करके याद कर लेना, ठीक है। आओ जरा अब मेरी बात सुनो जरा, एनएफआईए क्या होता है? डेप्रिसिएशन का तो नाम आपने सुना होगा, पर ये एनएफआईए क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसको निकालते कैसे हैं, पेपर में कैसे निकालेंगे? एनएफआईए इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है बेटा, फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम को जरा मार्क कर लेना, हाईलाइट कर लेना, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। देखो फैक्टर इनकम क्या होता है, जब आप कोई प्रोडक्टिव सर्विस करके पैसा कमाते हो वो फैक्टर इनकम होती है। मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूं और बदले में अगर मुझे पैसे मिलते हैं तो ये फैक्टर इनकम है। तो दूसरी इनकम कौन सी होती है सर? सब मेहनत करते हैं। अरे ऐसा नहीं होता, अगर आपको पॉकेट मिली है, आपने कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी करी है क्या भाई? अपने लिए पढ़े होंगे जो पढ़े होंगे, आपने देश के लिए कुछ नहीं करा है, तो उसको करके अगर आपको पॉकेट मनी मिल रही है तो वो फैक्टर इनकम नहीं है, वो ट्रांसफर इनकम है। तो हम लोग यहां पे कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब जो दूसरे देश से इंडिया में आई है, माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम जो इंडिया से दूसरे देश में गई है, ये हो जाएगा टू अब्रॉड। तो फ्रॉम माइनस टू करना है, टू माइनस फ्रॉम कर दोगे गलत हो जाएगा तुरंत के तुरंत। देन उसके बाद अगली चीज आपको एक नई लगी होगी, एनआईटी। एनआईटी की फुल फॉर्म क्या है? एनआईटी इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और एनआईटी का फॉर्मूला क्या है? एनआईटी इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स आपने नाम सुना होगा, जीएसटी, जो टैक्स लगता है गुड्स एंड सर्विसेज के खरीदने और बेचने पे, वो जीएसटी होता है हमारा। तो आप इनडायरेक्ट टैक्स लिखा हो या जीएसटी लिखा हो, समझ जाना एक ही बात बोली गई है। तो इनडायरेक्ट टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं और जो सब्सिडीज होती है वो गवर्नमेंट हमको देती है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से जब सब्सिडीज माइनस कर दोगे तो आपका एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। अगर आपको नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल सही में करने का मन है, मैं आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये सारी की सारी चीजें याद हो जानी चाहिए। वीडियो को पॉज कर देना और तुरंत के तुरंत इसको रटना स्टार्ट कर देना, ठीक है। आइए जरा समझते हैं। अब यहां पे जो मसला है वो मसला है तो है किस चीज का, मैं आपको कुछ चीजें हैं अलग अलग नाम से कुछ चीजें जानी जाएंगी, वो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा उस तरीके से मैं आपको वो नाम लिखवा दूंगा कि डेप्रिसिएशन किस किस नाम से जाना जा सकता है। बट मैं चलो एक काम करता हूं, आपकी सेफ्टी के लिए लिखवा देता हूं अनदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा। आओ जरा लिख लेते हैं, डेप्रिसिएशन ऑल्सो नोन एज, क्वेश्चन में अगर आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है तो इस नाम से भी दे सकता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये फिक्स्ड कैपिटल वर्ड आ जाए ना तो समझ जरा डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, अभी के लिए फिलहाल ये दो लिख लो, जब ओवर द टाइम आएंगे मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा कि ये डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम है। अब जरा देखना, ये चीज तो चलो मैं मान लेता हूं कि आपको याद हो गई है, अब समझने वाली बात है क्या कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, सर आप हमारी कैसे मदद करेंगे? मैं आपकी मदद करता हूं। देखो ध्यान से सुनना, व्हेन वन एग्रीगेट, देखो दो केसेस पढ़ेंगे हम लोग। एक केस क्या पढ़ेंगे कि आपको एक एग्रीगेट क्वेश्चन में दे रखा है, ये जो आठ एग्रीगेट्स थे ना टोटल, ये टोटल आठ एग्रीगेट्स थे, इनमें से कोई एक एग्रीगेट आपको क्वेश्चन में दे रखा है, उसकी वैल्यू दे रखी है, और आपसे मांगा क्या गया है कि किसी दूसरे एग्रीगेट की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में एक एग्रीगेट दे रखा होगा और उससे रिलेटेड कुछ वैल्यूज दे रखी होंगी और भी, और उसको यूज करके आपको एक इक्वेशन बनानी होगी, और इक्वेशन बना के आपको क्वेश्चन में किसी और एग्रीगेट की वैल्यू निकालनी होगी। तो आप क्या करोगे उस केस में जरा देखना, देखो मैंने केस लिखा हुआ है और साथ के साथ लिख लेना आप लोग, व्हेन वन एग्रीगेट इज गिवन, एक एग्रीगेट दे रखा है और हमें वी हैव टू फाइंड अनदर एग्रीगेट, और हमें कोई और एग्रीगेट निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है, तो क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं जरा ध्यान से देखना, मैं हिंदी में लिखवाऊंगा, एक
बातचीत वाली जो व्हाट्सएप वाली हिंदी होती है उसमें हम लोग करेंगे तो पढ़ने में मजा आएगा। देखो ऐसे लिखना जो एग्रीगेट निकालना है, जो एग्रीगेट निकालना है उसे लेफ्ट और डाउन पुट कर देना। क्या लिखवा रहे हो सर, ये अजीब सी बात, ये तो समझ ही नहीं आ रहा, मुझे पता ही नहीं समझ आएगा, पर जब समझ आएगा तो यही समझ आएगा और कुछ समझ नहीं आएगा। अभी लिखते जाओ हौले हौली। जो एग्रीगेट दिया हुआ है उसे लेफ्ट का क्या हो जाएगा, राइट, डाउन का क्या हो जाएगा, अप, पुट कर देना। सर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, लग ही नहीं रहा आप टीचर हो, क्या अजीब सी है, आज तक किसी टीचर ने हमें ये सब भाषाओं में लिखवाया ही नहीं है। ठीक है यार, देयर शुड बी सम यूनिकनेस, हर टीचर अच्छा है, हर बंदा ट्राई करता है कि कुछ नए तरीके से चीजों को आसान करना है। एक टीचर का काम क्या है यार, चीजों को आसान करना है, बट हाँ वो जो नॉलेज है उससे भटकना नहीं है। नॉलेज आपकी परफेक्ट होगी मेरी गारंटी है, बट हाँ आपको याद हो जाएंगी चीजें, तो फिर भाई हम तो किसी भी हद तक चले जाएंगे, आपको समझ आनी चाहिए चीज बस। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन इसी रूल को यूज करके सिखाऊंगा और आपको तब समझ आएगा। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में, क्या सर ये पेपर में क्वेश्चन आएगा, देखो डायरेक्टली ये क्वेश्चन तो आने नहीं वाला, बट ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता ना तो जो क्वेश्चन आता है पेपर में आपको वो नहीं आएगा। कंफ्यूज हो रहे हो, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर में आएगा आपके उसके लिए जो सीढ़ी का रास्ता है वो इस क्वेश्चन से होकर गुजरता है, तो आपको ये बेस तो क्लियर होना ही चाहिए तभी आप आगे वाले क्वेश्चन कर पाओगे। जरा देखना क्या कहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी, जीएनपी एफसी निकालना है। ठीक है देखो जीएनपी एफसी, ऐसे एफसी को ना नीचे लिख दो, ये निकालना है, क्वेश्चन मार्क कर दिया। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है देखना, एक एग्रीगेट निकालना है, कुछ केस दिखा दिखा सा लग रहा है, एक एग्रीगेट निकालना है जिसका नाम है जीएनपी एफसी। एक एग्रीगेट देखो क्वेश्चन में उसकी वैल्यू दे रखी है 80,000 रुपए वैल्यू दे रखी है, ये एग्रीगेट दे रखा है, अच्छा मतलब एनडीपी एमपी हमें दे रखा है कितना 80,000। तो सर जब ऐसा होता है ना तो फिर आप ये वाले केस वन में फॉल करते हो कि आपको एक एग्रीगेट दे रखा है और दूसरे की वैल्यू आपको निकालनी है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बनाने में हमें ये जो काले अक्षरों में लिखा हुआ है ये चीज हमारी मदद करेगी। कैसे मदद करेगी आइए जरा देखते हैं। देखो जो एग्रीगेट निकालना है उसे लेफ्ट साइड में रखो और डाउन में रखो। ये लेफ्ट और डाउन क्या है जरा देखो, सबसे पहले इक्वेशन का एक इक्वल टू बना दो, कौन सा एग्रीगेट निकालना है आपको, आपको जीएनपी एट एफसी निकालना है ना, तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में आप जीएनपी एफसी को लिख दो, इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में जीएनपी एफसी को लिख दो, और एक रफ साइड में कहीं कोने में जीएनपी एफसी को ऐसे नीचे लिख दो, यहां पे जीएनपी एफसी को ऐसे लिख दो नीचे। और जो एग्रीगेट दे रखा है, इधर देखो जो एग्रीगेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे आपको क्या करना है, ऑपोजिट करना है, राइट में लिख देना है और अप में लिख देना है, राइट में लिख देना है और अप में लिख देना है। तो राइट में किस चीज के भाई, जो आपको इक्वेशन ये इक्वल टू दे रखा है इसके राइट साइड में, यानी कि इस साइड में इक्वल टू के राइट साइड में लिख दिया, और यहां रफ में अप में लिख दो आप। अरे मैं क्या लिख रहा हूं यार, एनडीपी एमपी दिया हुआ है इक्वल टू के राइट साइड में, और यहां पर मैं ऊपर रख दूंगा एनडीपी एमपी। अब जरा देखना कैसे करना है, याद करो वो टेबल मैंने आपको बताई थी, नेट से ग्रॉस पे, डोमेस्टिक से नेशनल पे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे, ऊपर से नीचे आपको एरोज लानी है। नेट से ग्रॉस पे जाना है, एन फॉर नेट जी फॉर ग्रॉस होता है, नेट से ग्रॉस पे जाना है तो याद करो क्या करना था, एड करना था डेप्रिशिएशन, तो एड कर देंगे डेप्रिशिएशन। अब देख लेना टेबल, चेक कर लेना, टेबल नहीं बनाई तो बदमाशी कर रहे हो, टेबल बना लो और साथ के साथ मैच करते रहना। नेट से ग्रॉस पे जाना है तो एड कर देंगे डेप्रिशिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे डी से एन पे जाना है तो प्लस कर देंगे एन एफ आई ए। सिमिलरली पी से पी पे जाने के लिए कुछ करना ही नहीं है भाई, पी और पी तो सेम है ना, ये पी और पी तो सेम है, फर्क कहां पड़ेगा, एमपी से एफसी जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है, सर 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 माइनस करेंगे एनआईटी, माइनस करेंगे एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब जरा देखना सारी वैल्यूज दे रखी होंगी आपको क्वेश्चन में, कैसे दे रखी होंगी आइए जरा देखते हैं। देखो भाई
एनडीपी एमपी आपको कितना दे रखा है? सबसे पहले देखो 80,000, 80,000 आपको एनडीपी एमपी दे रखा है, आपने लिख दिया 80,000। फिर आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, अरे डेप्रिसिएशन भी दे रखा है हमें 4950, ये लिया। फिर प्लस एनएफआईए, अब एनएफआईए का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया था ना, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो देखना। अच्छा, पर इसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, यहां पे दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए पूरा का पूरा दे रखा है। पर ये क्या, ये तो इसने माइनस 200 दे रखा है, तो माइनस 200 तो आप माइनस 200 ही लिखोगे। देखो ये जो प्लस का साइन है, ये जो प्लस का साइन है वो तो रहेगा, एनएफआईए को ब्रैकेट में आप लिख दो माइनस 200, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस 200 है। साइन के साथ, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ अगर आपने छेड़खानी कर दी, बर्बाद हो जाओगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। फिर क्या है, माइनस एनआईटी, तो माइनस का साइन लगा दो। एनआईटी क्या होता था, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, फॉर्मेट देखो जो मैंने आपको लिखवाया था। इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है आपको 10,600, सब्सिडी कितनी दे रखी है 1770। तो देखो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, जब दो चीजें प्लस माइनस होनी है ना, तो ब्रैकेट खोल लो, 10,600 में से माइनस कर देंगे सब्सिडी 1770, सब्सिडी माइनस कर दी। अब जरा देखना आंसर क्या आ जाएगा, 80,000 प्लस 4950 पहले कर दो, ये हो जाएगा 84950। फिर देखना, अच्छा बेसिक कैलकुलेशन भी सिखा देता हूं, इस प्लस की इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 200। फिर उसके बाद इस ब्रैकेट को, घर का मैटर पहले घर में सॉल्व कर दो, क्या करेंगे 10,600 माइनस 1770, ये निकल के आता है 8830। 8830 पॉजिटिव आया है ब्रैकेट के अंदर, और बाहर माइनस का साइन है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 8830 हो जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो 84950 में से माइनस करेंगे 200 और माइनस करेंगे 8830, तो हमारा आंसर आना चाहिए 75920। क्वेश्चन जरा देखना आंसर क्या है, 75920। ऑफ कोर्स भाई पूरे देश की बात हो रही है, तो एक करोड़ में फिगर दे रखी है, क्योंकि भाई देश में ये 75,000 किसी की नेशनल इनकम थोड़ी ना हो सकती है, वो तो ऑफ कोर्स ही बात है यार, करोड़ या बिलियंस में जाएंगी बातें, ऐसे क्वेश्चन होना है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा, अगर आपको समझ आया है तो प्लीज इस वीडियो को तुरंत के तुरंत लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इतनी ऑसम वीडियोस भी आऊंगा, तुम्हारे मार्क्स मैं बनवाऊंगा, टेंशन मत लो, इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे ना, तुमने कल्पना नहीं करी होगी, तुम्हारे पेरेंट्स ने कल्पना नहीं करी होगी। अभी की वीडियो में सिर्फ इतना करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि 20-25 मिनट से जब वीडियो आगे जा रही होती है तो बच्चा उतना दूर भागता है उससे। मैं मीठा मीठा जहर दूंगा आपको, छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा, पर बहुत सारी बना दूंगा। ओवरऑल मुझे, मेरा मकसद है कॉन्सेप्ट को कवर करना इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर जो मैं कर सकता हूं, और आपका काम है मुझे सपोर्ट करना। अभी के लिए इतना करते हैं सिर्फ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, चलो चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।